students, how are you? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn zero concept, and this one is in your maths textbook. It means numeracy skill textbook. Everyone take out your maths textbook for grade senior KG and open the page number 2727. Today we are going to learn zero concept. Zero means nothing. Zero means nothing. Let's we do one activity. Here I have two bowls. I have two bowls and both are empty. Both are empty. दोनों में कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या हुआ? कुछ नहीं है, यानी कि nothing. Zero zero है. Okay, दोनों में कुछ भी नहीं है. Now look at here. I keep three boxes in one bowl and another bowl is empty. यानी कि ये बाउल में मैं कुछ नहीं रख रही हूँ, ये बाउल में थ्री है मेरे पास. तो क्या हुआ? ये है बाउल, वो फुल होगा और ये है होगा एम्प्टी. एम्प्टी यानी कि नथिंग, इट मीन्स ज़ीरो. इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हुए? ज़ीरो ऑब्जेक्ट हुए. और इसमें थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर हीयर? वन टू थ्री. एंड हीयर नो ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स दिस वन इज ज़ीरो, दिस वन इज ज़ीरो. एंड दिस बाउल हैव three boxes. These bowl have three boxes. Okay. If I have some another object and I keep in this bowl. Now look at here. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. और मैंने दूसरे bowl में भी two object रखे हैं. 1 and 2. तो अभी मुझे बताओ कि दोनों में से खाली कौन सा है, यानी कि दोनों में से जीरो कॉन्सेप्ट किसके पास है? किसी के पास नहीं, क्योंकि ये बाउल में भी कितने हैं? टू है और ये बाउल में भी फाइव है. ओके, सो टू एंड फाइव बोथ आर फुल. बोथ आर फुल यानी कि इसमें भी कुछ है और इसमें भी कुछ है. तो दोनों में से किसी के पास जीरो नहीं है. पर अगर मैं इसमें से ये निकाल देती हूँ तो ये बाउल कैसा होगा? एम्प्टी होगा, यानी कि ये बाउल में कुछ नहीं है. दिस बाउल है नथिंग ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज जीरो जीरो. एंड दिस हैव फाइव, दिस हैव फाइव ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो लाइक दिस वी फिल दिस पेज. लेट्स वी स्टार्ट. टू गर्ल्स आर हियर. दिस गर्ल हैव three balloons and this girl have no balloon in hand. No balloons in hand because इसके पास जो three balloons थे और इसके पास जो three balloons थे वो तो उड़ गए हैं, यानी कि इसके हाथ में कुछ नहीं है. So this one is zero balloons and this one have three balloons. इसके हाथ में three balloons है और इसके हाथ में zero balloons है. Okay, now next is टू एग्स आर हियर एंड ज़ीरो एग्स आर. देखो ये प्लेट है, उसमें दो एग्स हैं और ये प्लेट में कुछ नहीं है. नथिंग यानी कि नथिंग, ज़ीरो. ओके, सेम लाइक हियर टू व्हीकल्स एंड हियर ऑन दिस रोड नो व्हीकल्स. कोई व्हीकल्स ये रोड पे नहीं है और यहाँ पे दो व्हीकल्स हैं. ओके, सो टू व्हीकल्स एंड हियर ज़ीरो व्हीकल्स. यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं है उसको हम कहेंगे ज़ीरो. जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो एग्स थे, यहाँ पे ज़ीरो व्हीकल्स थे और यहाँ पे ज़ीरो बैलून्स थे. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज एवरीवन एंड राइट डाउन हियर सी डब्ल्यू एंड टुडेज डेट. व्हिच डेट इज टुडे? 1/3/13/07 इज आर मंथ एंड 2021 इज आर ईयर. ओके, नाउ सर्कल द पिक्चर्स दैट शो ज़ीरो ऑब्जेक्ट्स. सर्कल द पिक्चर्स दैट शो ज़ीरो ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है, ज़ीरो शो कर रहा है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है. नाउ हियर वी हैव टू पॉट्स. इन दिस पॉट नो फिश एंड इन दिस पॉट 1, 2, 3 and 4 फिशेस आर हियर. ओके, सो नाउ टेल मी विच पॉट इज एम्प्टी पॉट, यानी कि उसमें फिश ही नहीं है. तो ये रहा. सो एवरीवन सर्कल ऑन इट. नाउ टू बस स्टॉप्स आर हियर.
In one bus stop, here 1, 2, 3, 4, 5, 6 members, 6 peoples are here. Okay, and here no peoples. So this one is nothing peoples. Here we have two boxes. Here we have two boxes. One is for empty and one is full. It means इसमें बहुत सारे हैं sweets रखी है और इसमें तो कोई भी sweets नहीं है. That means this one is zero. Now two flower pots are here. One is empty and one have many flowers. So which pot has no flower? Yes, this pot. So everyone circle on it. Okay. So everyone do activity at your home. Thank you.